क्या आपने किसी शहर के बीच में जंगल का अनुभव किया है या किसी डेजर्ट का अनुभव किया है? नहीं तो आज हम आपको ऐसे डेजर्ट पार्क पर लेकर जाने वाले हैं जो एकदम शहर के बीच में बना हुआ है और चारों ओर एक शहर से घिरा हुआ है। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत डेजर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूर्य नगरी जोधपुर में और आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम जिस डेजर्ट पार्क की बात कर रहे थे वो है रावजोधा डेजर्ट पार्क जोधपुर। रावजोधा डेजर्ट पार्क राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर शहर में एकदम बीच में स्थित है। जोधा डेजर्ट पार्क जोधपुर का ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किला और जसवंतथाड़ा जिस पहाड़ियों पर बना हुआ है उन्हीं पहाड़ियों के बीच में रावजोधा डेजर्ट पार्क को बनाया हुआ है। इस डेजर्ट पार्क को रावजोधा ने अपने किले के लिए जो दीवार बनाई थी उसके अंदर जो भी हिस्सा खाली पड़ा था उसमें इस डेजर्ट पार्क को विकसित किया। और इस डेजर्ट पार्क का नाम रावजोधा डेजर्ट पार्क इसलिए है क्योंकि रावजोधा ने ही इसको बनवाया था। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देखिए, अलग अलग प्रकार के कई सारे पत्थरों को यहाँ पर दर्शाया गया है और इन सब की जानकारी भी यहाँ पर दे रखी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इस पार्क में आने के लिए आपको 100 रुपये का टिकट लेना होगा और पर्यटकों के लिए इसका गेट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। तो ये है इसका मेन गेट जहाँ से अभी हम अंदर चलेंगे और यहीं पर टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से टिकट लेकर चलते हैं अंदर की ओर। आपको यहाँ से एक डेजर्ट पार्क का मैप भी देंगे जिससे आपको इसके अंदर घूमने में आसानी हो। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको एक मैप देंगे। आइए अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी है। यहाँ पर देखिए, आगे जाने के लिए जो रास्ता बना रखा है बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन के अंदर रास्ता बना रखा है, मतलब ऊपर से खुला है लेकिन दोनों साइड पहाड़ को काट कर गहरी खाई के अंदर रास्ता बना रखा है। यहाँ पर एक गेट भी बना हुआ है, इसमें से होकर हमें आगे की ओर चलना है। बहुत ही सुंदर है ये रास्ता। रास्ते में कई जगह पर ये कुछ इस प्रकार के संकेत देखने को मिलेंगे। ये संकेत यहाँ पर इसलिए दे रखे हैं क्योंकि यहाँ से इसके अंदर घूमने के लिए जो मैप देते हैं उसमें 3 कलर के रास्ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन और येलो वाली लाइन का रास्ता यहाँ पर है और अभी हम जिस लाइन पर चल रहे हैं ये है येलो लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रास्ते हैं। तो एक रास्ता है जो रानी से लेक की ओर जाता है और एक रास्ता है वो येलो लाइन की ओर जाता है। तो अभी हम पहले येलो लाइन ही पूरी घूमेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे रानी से लेक का बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ पर देखिए, ये एक और येलो कलर का संकेत दे रखा है। ये जगह जगह पर संकेत इसलिए दे रखे हैं ताकि आप इस डेजर्ट पार्क में घूम घूम कर वापस एक ही जगह पर वापस ना आए।
आप देख सकते हैं कि अभी तक भी हम येलो लाइन वाले रास्ते पर ही चल रहे हैं। इस रास्ते पर चलने में थोड़ी आसानी होती है क्योंकि यहाँ पर रास्ता बना रखा है, लेकिन जो ग्रीन लाइन वाला रास्ता है वो पहाड़ के ऊपर ऊपर बना हुआ है और वहाँ पर धूप भी ज़्यादा रहती है। और ये ग्रीन वाला रास्ता थोड़ा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर रास्ता भी ऊपर खाबड़ है। ग्रीन वाले रास्ते पर आप सुबह और शाम के समय में आ सकते हैं, जहाँ से आप जोधपुर शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मेहरानगढ़ किले की जो दीवार है उसके पास में बना हुआ है, ये देखिए वो जहाँ पर आपको किले की दीवार दिखाई दे रही है उसके सारे सारे ग्रीन लाइन का रास्ता बना हुआ है। वैसे इस दीवार के पास में से जोधपुर शहर का जो दृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही सुंदर है। सुबह शाम आप आते हैं ना तो वहाँ से बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है जोधपुर शहर का। अब यहाँ से आप देखिए सामने की ओर जोधपुर का ऐतिहासिक मेहरानगढ़ का किला भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है यहाँ से जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का, आप देख सकते हैं। यहाँ इस डेजर्ट में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे और तरह तरह के पक्षी भी यहाँ इस डेजर्ट पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं धूप में आया हूँ इसलिए यहाँ पर पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सुबह या शाम को आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इस डेजर्ट के अंदर बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। इस रावजोधा डेजर्ट पार्क का सुबह 7 बजे ही गेट खुल जाता है, तो आप जल्दी भी आ सकते हैं। और अगर आप जोधपुर में घूमने के लिए आते हैं तो रावजोधा डेजर्ट पार्क में जरूर घूमने के लिए आइए। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है यहाँ से, जो मेहरानगढ़ किले का जो दृश्य दिखाई देता है वो सच में देखने लायक है। थोड़ी देर में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रानीसर लेक और मेहरानगढ़ किले का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो दोस्तों ये देखिए, ये है रानीसर लेक। छोटी सी ये झील है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और ये है अपने जोधपुर की शान मेहरानगढ़ किला। यहाँ से जो इस किले का दृश्य दिखाई देता है वो आपको कहीं और जगह से नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए आप रावजोधा डेजर्ट की खूबसूरत रानीसर लेक, और यहाँ से जो जोधपुर शहर का मेहरानगढ़ किला दिखाई दे रहा है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों ये था जोधपुर शहर का खूबसूरत रावजोधा डेजर्ट पार्क। मैं धूप में आया हूं इसलिए पूरा घूम के आपको नहीं दिखा सकता हूं। आपको अगर यहां पर आना है घूमने के लिए तो या तो सर्दियों में आए या फिर आप सुबह या शाम के समय में यहां पर आ सकते हैं। वैसे आप धूप में भी यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो है रावजोधा डेजर्ट पार्क है वो पूरा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर वैसे भी जोधपुर में गर्मी ज़्यादा ही रहती है तो धूप में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुबह या शाम के समय आप यहाँ पर घूमने के लिए आराम से आ सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ रावजोधा डेजर्ट पार्क घूमकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं ऐसे ही और वीडियो बना सकूं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेहरानगढ़ किले का पूरा वीडियो देखना हो तो इसका भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।